है आपका स्वागत है, मैं हूं अभिजीत और आज की इस वीडियो में बहुत ही कॉमन एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। आप देखे होंगे खास करके विंटर के सीजन में या कि ठंडा के सीजन में आपको ये अच्छा से मतलब नजर आएगा, जब भी आप लॉन्ग पार्किंग के बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सुबह हो या फिर रात हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि सुबह में ही ऐसा होगा। लॉन्ग पार्किंग के बाद जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट एक दो मिनट तक तो उसकी जो RPM है वो कुछ ज़्यादा रहता है। नॉर्मल केस में अगर आपकी गाड़ी की RPM 700 है तो जब सुबह में या फिर जो लॉन्ग पार्किंग के बाद आप स्टार्ट करते तो इंजन का RPM लगभग 1500-1600 ऐसा कुछ रह जाता है, और फिर जाके 2-3 मिनट चलने के बाद ये धीरे धीरे करके घट के अपनी जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें चला आता है। तो इस चीज़ में आपको पहले तो ये बात सही है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसको अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा डिटेल में जानना तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। होता क्या है, अभी का जो इंजन है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के थ्रू मतलब ECU के थ्रू पूरा सिस्टम इसका ऑपरेट होता है। ECM गाड़ी का जो इंजेक्शन होगा, फ्यूल इंजेक्शन, वो सब कुछ डिपेंड करने के लिए इंजन में बहुत सारा सेंसर और एक्चुएटर लगा हुआ रहता है, और इसमें इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का जो मेन रोल है वो ECU को भेजता है कि इंजन कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, और इससे इंजन का टेम्परेचर जो है वो ECU तक आता है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर जैसे ही ECU को भेजेगा सिग्नल कि अभी गाड़ी का जो इंजन का टेम्परेचर है वो लगभग 50 के आसपास कुछ है, तो ECU क्या करेगा, पहले आपकी गाड़ी की जो इंजन है उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर में लाने के लिए थोड़ा सा इंजेक्शन हाई कर देगा। इंजेक्शन का जो ड्यूरेशन है, नॉर्मल कंडीशन में अगर वो 50 mmHg के फ्यूल स्प्रे कर रहा है तो उस कंडीशन में जब गाड़ी ठंडा है तो उस केस में ये 60 mmHg का फ्यूल स्प्रे करेगा। ये बस एक अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इंजन जब भी कुछ भी इंजेक्शन होता है तो उसमें मिली सेकेंड से काउंट होता है, मैं आपको बस ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में जो 50 ग्राम मान लीजिए फ्यूल स्प्रे कर रहा है जलने के लिए इंजन को, तो उस टाइम वो 60 ग्राम फ्यूल इंजेक्ट करेगा, क्योंकि अभी इंजन का टेम्परेचर बहुत डाउन है और उसको जितना जल्दी हो सके एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में लाया जाए। अब दोस्तों मैं आपको इस गाड़ी में प्रैक्टिकली क्या होता है वो एक बार करके दिखाता हूँ, इससे आपको और क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन क्या है, मेरे यहाँ का जो आउटसाइड टेम्परेचर है ये लगभग 27 डिग्री के आसपास कुछ है, तो शायद उतनी ज़्यादा RPM हाई नहीं हो सकता है। सो लेट स्टार्ट द इंजन, देखते हैं। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये थोड़ा हद तक 1500 RPM क्रॉस करके इसके बाद 1100 के आसपास कुछ शो कर रहा है। तो इसमें एक्चुअली जो मेन रीज़न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइट शो कर रहा है ये इसका मतलब है गाड़ी अभी कोल्ड है, मतलब गाड़ी अभी ठंडा है। तो गाड़ी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए कुछ कस्टमर क्या करते हैं, इसको कुछ इस तरह से ऐसा इसको रेस देते रहते हैं, और कुछ कस्टमर या कुछ ड्राइवर क्या करते हैं इसको बस जब तक ना ये आइडल कंडीशन में यानी कि 1000 से नीचे आ जाए तब तक गाड़ी को लेके बस बैठे रहते हैं कि उसको आइडल कंडीशन में आने के लिए वेट करते हैं। लेकिन ये सब कुछ अभी करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो गाड़ी यूज़ होता है उसमें सारा सब कुछ जो फ्यूल इंजेक्शन हो या फिर एयर कंट्रोल हो वो ECU के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर आपका गाड़ी 15-20 मिनट चलने के बाद भी मान लीजिए कि वो RPM सेम जगह पे है तब आपका गाड़ी में प्रॉब्लम है, तब चाहे तो आप उसको सर्विस सेंटर में दिखा के काम कर सकते हैं। लेकिन ये एकदम सुबह में स्टार्ट करने से जो भी इसका RPM हाई रहता है ये बिल्कुल नॉर्मल है, इससे कुछ दिक्कत नहीं है।